हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सॉन्गलैप और फाइनल WBJE से रिलेटेड वीडियो आ गया है। बहुत दिनों से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया WBJE के ऊपर वीडियो बनाइए, स्ट्रैटेजी बताइए, कौन कौन से बुक्स यूज़ करते थे आप मुझे वो बताइए। तो फाइनली मैं आज वो सारी चीज़ें तुम लोगों को बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता कि WBJE क्या होते हैं, मैं एक बार उन्हें क्विकली बता देता हूँ। WBJE वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू तुम जादवपुर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस ले सकते हो। उसी के साथ साथ और भी सारे प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुम जा सकते हो, लाइक KGSE, IIM, हेरिटेज एसेट्रा। और अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल जानना है क्या होता है कैसे होता है, तो तुम ऊपर आई बटन पे मेरा डिटेल्ड वीडियो WBJE के रिगार्डिंग को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है स्ट्रैटेजी फॉर WBJE। ऑनेस्टली मैंने WBJE के लिए सिर्फ एक महीना ही डेडिकेटेडली पढ़ा था। उसके पहले मैं हमारे JEE मेंस की तैयारी कर रहा था, सो मैंने कभी WBJE को उतना सीरियसली नहीं लिया। एक महीना मैंने प्रॉपरली WBJE को दिया था और उसी से मेरा WBJE में 389 रैंक आ गया था। तो मैं तुम्हारे साथ वो सारी स्ट्रैटेजी आज शेयर करने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। सो फर्स्ट टिप मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो है, अपना स्पीड इंक्रीज करो, ठीक है? क्योंकि WBJE इज जस्ट अ स्पीड गेम। ये JEE मेंस की तरह नहीं है जहाँ तुम आराम से कर सकते हो। वैसे तो JEE मेंस में तुम्हें बहुत अच्छा स्पीड चाहिए रहता है, बट WBJE में उससे तुम्हें दुगना स्पीड चाहिए रहेगा। तो अपने स्पीड को इंक्रीज करो, अपने कैलकुलेशन पर ध्यान दो, और किसी भी हालत में तुम्हें एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, क्विकली मूव कर जाना है। और घर में तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, उतना ज्यादा तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जो दूसरा टिप मैं तुम्हें देने वाला हूं उसी स्पीड से रिगार्डिंग है कि तुम स्पीड को एक्चुअली में इंक्रीज कैसे कर सकते हो, वो है गिविंग रियल WBJE मॉक टेस्ट, ठीक है? WBJE एक पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड पे। तो बहुत ही इजीली तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे WBJE के, और मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मॉक टेस्ट WBJE के रिगार्डिंग अपलोड कर रखे हैं। तो अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो ज्वाइन कर लो ग्रुप, और वहां पे तुम्हें सारे मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट को टाइमली देना है। अगर तुम टाइमली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कुछ फायदा नहीं उस चीज़ का, मत दो, उससे बेहतर है कुछ और कर लो। बट अगर तुम देना चाहते हो तो टाइमली मॉक टेस्ट दो, इसी से तुम्हारा स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा। थर्ड जो टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि WBJE में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू JEE मेंस। तो ऐसा ओवरऑल कह सकते हो तुम, बट ये पूरा ठीक नहीं है। अगर तुम इसको मान के एग्ज़ाम देने जाते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो हमें कभी भी अपना लेवल को डाउन नहीं करना है। WBJE में जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें JEE मेंस लेवल के मिलेंगे, और ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जो JEE एडवांस लेवल भी जाते हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को वैसे तो हमें निगलेक्ट कर देना है, बट अगर तुम उन्हें कर पाओ तो तुम एक एक्स फैक्टर बन सकता है वो तुम्हारा पूरा एग्ज़ाम में, तुम एक बहुत अच्छा रैंक अपना ला सकते हो। फोर्थ जो टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है एम हायर। अभी मेरे हिसाब से तुम्हें WBJE को फोकस करके पढ़ना नहीं चाहिए। अभी JEE मेंस को फोकस करके पढ़ो, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर हो सके थोड़े से JEE एडवांस के MCQs वगैरह सॉल्व करो, उससे क्या होगा तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अगर तुम JEE मेंस में 97 अबव परसेंटाइल फोड़ दिया तुमने, तो WBJE में अंडर 500 रैंक लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने पर्सनली JEE मेंस में 98.5 स्कोर किया था और तभी WBJE में मेरे 389 रैंक आया। और मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं WBJE को स्पेसिफिक करके पहले से पढ़ाई करता तो शायद मैं इतना अच्छा रैंक नहीं ला पाता, मतलब जितना रैंक मेरा आया है उतना अच्छा नहीं आ पाता। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि JEE मेंस को भी टारगेट लेके पढ़ो। एक बार तुम्हारा मार्च वाला अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद डेडिकेटेडली हम लोग WBJE के लिए पढ़ने वाले हैं। सो तब अपना WBJE को स्पेसिफिक मान के पढ़ाई करना, अभी JEE मेंस को टारगेट करके ही पढ़ो। फिफ्थ जो टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो है, भले ही भाई तुम JEE मेंस के लिए पढ़ रहे हो, इट्स फाइन, तुम्हें पढ़ना चाहिए, बट WBJE के पैटर्न में तुम्हें एग्जाम्स भी देने हैं। भले ही तुम हफ्ते में एक दो या फिर दो हफ्ते में एक दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें एग्जाम पैटर्न में, WBJE के एग्जाम पैटर्न में तुम्हें एग्जाम जरूर से देने हैं। और उस एग्जाम देते वक्त तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि वो चीज़ें तुम्हारी प्रैक्टिस में आ जाए और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रहे जब तुम ओरिजिनल एग्जाम देने जाओ। उसमें से एक चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पहले तुम जब मॉक टेस्ट दो, पहले 2 मार्कर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद 1 मार्कर के क्वेश्चन पे आना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 2 मार्कर के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं 1 मार्कर से, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है।
टू मार्कर और वन मार्कर क्वेश्चन के लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो पहले हमें टू मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उसके बाद वन मार्कर पे हमें आना है। पॉइंट नंबर टू, बहुत ज़्यादा मार्क्स का टारगेट अपने मॉक टेस्ट में तुम्हें नहीं रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा अंडर 500 रैंक में लाने के लिए या फिर अंडर 100 रैंक लाने के लिए। तो ऐसा एक्चुअली में ट्रू नहीं है। तुम अगर 150 पहुंच जाते हो तो तुम आराम से अंडर 50 रैंक अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम अबव 50% स्कोर करते हो तो तुम लगभग 500 के अंडर रैंक ला सकते हो। यहाँ पे तुम्हें आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा है रैंक वर्सेस मार्क्स का पूरा सिनेरियो WBJE का। तुम उसको जाके एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो उसका टारगेट सेट करना। तो यही कुछ चीज़ें मैंने अपने टाइम पे की थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था WBJE में। तुम्हारे साथ मैंने वो सारी चीज़ें शेयर कर दी और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि WBJE के रिगार्डिंग में बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड। बाकी मैं तुम्हें अब कुछ बुक्स भी बता देता हूँ जहाँ से तुम बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हो WBJE के लिए। पहला, अगर तुम वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो तुम्हारे लिए ये बुक अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं सिर्फ मैथ्स का ही बुक बोल रहा हूँ तुम्हें, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम छाया के बुक से अभी मत करो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता। मैथ्स के लिए तुम छाया का बुक फॉलो कर सकते हो, उसमें भी तुम्हें कोई एक्सरसाइज वगैरह में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें अंत में जाना है MCQ जोन में और उसके बाद जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो तुम्हें करना है, सिर्फ MCQs। उतना करने से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे तो वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर तुम वेस्ट बंगाल बोर्ड से नहीं हो तो तुम ये बुक रेफर कर सकते हो। वैसे तुम अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो फिर भी तुम्हें ये बुक तो करना ही है, तुम किसी भी पब्लिशर का ये WBJE का आर्काइव उठा सकते हो। ये मेरे पास आर्यंत का है क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ख़रीदा था। और यहाँ पे तुम्हें सारे WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ 5 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये बुक तुम्हें करना है, मुझे इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और एक महीने में मैंने ये पूरा बुक ख़त्म किया था एक एक क्वेश्चन। तो तुम इस बुक को ज़रूर से रेफ़र कर सकते हो और WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, तो तुम एक बहुत अच्छा आइडिया लगा पाओगे कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितना ज़्यादा हार्डवर्क तुम्हें और करना है। और उसके साथ साथ जो तुम्हें चीज़ बिल्कुल से करनी है, जो तुम्हें मैंने अपना लेवल अप वाला चीज़ बताया उसके लिए, एंड उससे तुम्हारा जेई मेंस का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वो चीज़ है अभी तुम्हें जेई मेंस का पूरा आर्काइव ख़त्म कर लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी इस चीज़ का तुम्हें छूटना नहीं चाहिए, तुम किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मेरे पास Wbjee का है। तो जेई मेंस का आर्काइव तुम्हें अच्छे से ख़त्म करना है एंड जेई एडवांस का जो तुम्हारा आर्काइव आता है उसको भी तुम्हें करना है। अब तुम पूछोगे कि जेई एडवांस का पूरा आर्काइव तो करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ MCQs करने हैं जेई एडवांस के आर्काइव के, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं, कोई मैट्रिक्स नहीं, कोई कंप्रिहेंशन टाइप नहीं, सिर्फ MCQs जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के सिर्फ MCQs करना है। अगर तुम इतना कर लेते हो तुम्हें कोई बुक और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने नोट्स को रेफर करो, जो तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है जिस तुम्हें ऑलरेडी कर रखा है उसको रिवाइज करो और ये बुक्स तुम कर लो, इससे WBJE का एग्जाम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये गारंटेड है। सो आज का वीडियो मेरे पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, जिस तरह का भी तुम्हें हेल्प चाहिए, नीचे तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड ऑल्सो कमेंट कि तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम कैसा गया। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड दोज कमेंट्स। और यार ये वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई है, मैं मानता हूँ कुछ टाइम से कॉलेज का बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, बट अभी इस चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है रेगुलरली, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टाटा।